नमस्कार मित्रों, गुजराती भक्ति चैनल में तमारू स्वागत छे। आजे आपणे आ वीडियो में भगवान श्री कृष्ण अने पांडवों ना शंखनुं नाम अने अन्य देवी देवताओना अस्त्र शस्त्र विषे जाणता पहेला चालो जाणीए भारतीय पौराणिक कथाओं में शंखनी उत्पत्ति केवी रीते थई तेना विषे। संस्कृत शब्द शंखनो अर्थ छे अशुभ ने शांत करवा वाळो। शंख ने लक्ष्मीजीनो सहोदर अने विष्णुनो प्रिय मानवामां आवे छे। शंख ने पृथ्वी पर शंखचूड नामना दानवना हाड़कामांथी प्रकट करवामां आव्यो हतो। शंख घणा प्रकारना अने घणा आकारना होय छे, केम के शंखचूड दानवना हाड़का घणा आकारना हता। सौथी मोटा युद्ध महाभारतना युद्धनी शरूआत पण भीष्म पितामहे शंखनाद करीने ज करी हती। महाभारतमां दरेक योद्धाना शंखनुं एक विशिष्ट नाम हतुं। पांच पांडव अने श्रीकृष्णे महाभारतना युद्धमां उपयोग करेला शंखोनी वात करिए तो सौप्रथम श्रीकृष्णना शंखनुं नाम पांचजन्य हतुं। पांच पांडवना पांडवोमां श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुनना शंखनुं नाम देवदत्त तो महाबली भीमना शंखनुं नाम पौंड्र हतुं। युधिष्ठिरना शंखनुं नाम अनंत विजय, नकुलना शंखनुं नाम सुघोष तो सहदेवना शंखनुं नाम मणि पुष्पक हतुं। शंखने घरमां राखवाथी नकारात्मक शक्तिओ पासे आवती नथी। शंखनादथी अनिष्ट शक्तिओ दूर भागे छे। शंखनादथी पॉजिटिव एनर्जी वातावरणमां प्रसरे छे। हिंदू पूजा सामग्रीमां शंखनो समावेश थाय छे। घरे अने मंदिरमां भगवानना द्वार खोलता पहेला शंख वगाड़वामां आवे छे। फूंकवा माटे डाबो शंख अने पूजा के अभिषेक माटे जमणो शंख वपराय छे। मित्रों, शंख तो महाभारत काळथी फूंकवामां आवे छे। शंखध्वनि असुरोना नाश करवा माटेनुं आह्वान छे। शंखध्वनि देवोने अतिप्रिय छे, माटे ज मंदिरोमां शंख फूंकवामां आवे छे। महाभारतमां प्रातःकाळे शंखनाद थाय ते साथे ज युद्ध शरू थतुं हतुं अने संध्याकाळे शंखनाद थतो ज युद्धनो विराम थतो हतो। शंखनुं विधिसर पूजन थाय तो दरिद्रता दूर थाय छे। समुद्र मंथन समय क्षीरसागरमांथी पांचजन्य नामनो शंख निकळे छे। तेनो अवाज एटलो प्रचंड हतो के बधा ज असुरो तेनाथी भयभीत थई गया हता। अग्निदेवे अर्जुनने वरुणदेव पासेथी गांडीव धनुष्य अने अक्षय तर्कस मेळवा मदद करी हती। अक्षय तर्कसना नाम प्रमाणे ते तर्कसमांथी क्यारे पण बाण खूटता ज न हता। साथे एक दिव्य रथ पण अपाव्यो हतो। તે દિવ્ય રથની સાથે મનની ગતિ સાથે દોડવાવાળા ઘોડા જોડાયેલા હતા। અન્ય દેવોના અસ્ત્રની વાત કરીએ તો ઇન્દ્રના અસ્ત્રનું નામ વજ્ર હતું, ભગવાન વિષ્ણુના ચક્રનું નામ સુદર્શન ચક્ર હતું, ગણપતિજીનું વાહન ઉંદર છે તેમ ઇન્દ્રનું વાહન ઐરાવત હાથી છે। ઐરાવત હાથી સમુદ્ર મંથનમાંથી નીકળ્યો હતો। મિત્રો, તમને અગ્નિદેવના વાહનનું નામ યાદ હોય તો તમે કમેન્ટમાં લખી શકો છો। ભગવાન શિવના ગળામાં જે નાગ છે તેનું નામ વાસુકી છે। શ્રીરામ ભગવાનના ધનુષનું નામ કોદંડ હતું તો કર્ણના ધનુષનું નામ વિજય હતું, જે પરશુરામે કર્ણને આપ્યું હતું। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। વધુ આવા વિડીયો જોવા આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। મળતા રહીશું મિત્રો આવા અવનવા વિડીયો સાથે। તમારો કિંમતી સમય આપવા માટે આભાર મિત્રો।